आज की डेट में जो भी कंपनियां ओपन है रिसेंट में, कहीं शॉर्ट सर्किट का बहाना बता के, कहीं मंदी का बहाना बता के लोगों को बेरोजगार बैठा दिया है। बात नहीं, आप क्योंकि होता है भाई, किसी को अपनी आवाज उठाने का अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो हमारा देश पीछे। चीन के छोटे से शहर वुहान शहर से चली एक छोटे से नाम की बीमारी जिसने आज पूरे देश में कोहराम मचा रखा। जी हाँ, आप समझ ही चुके होंगे कि इस समय मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की, COVID-19 की, जिसने पूरे देश में कोहराम मचा रखा। खाली देश ही क्यों नहीं, पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है। पूरे विश्व की इस समय अर्थव्यवस्था हालत सभी तहस नहस कर रखी है। कोरोना वायरस नाम छोटा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। जी हाँ, इसने हर व्यक्ति को चिंता के विषय में डाल दिया है। बीमारी का तो डर है ही, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था बिगड़ने का भी। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के घर की अर्थव्यवस्था तक सब हिल चुका है। इसी के साथ ही शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नमस्कार, NCR मिनट से मैं हूं विशाल और इस समय मौजूद हूं टाउन पार्क में। और आज लगभग 5 महीने होने जा रहे हैं देशव्यापी लॉकडाउन को। आज जानते हैं कि कैसे लोगों में कितनी जागरूकता दिखी है और क्या क्या असर उनके ऊपर इन 5 महीनों में पड़ा। के अंदर आते हैं, हमें यहाँ 2 युवक मिले हैं, नौजवान ही हैं दोनों। सुनील मौर्य नाम है। क्या नाम है? सुनील मौर्य नाम। आपका क्या नाम भैया? नहीं सर, मैं नहीं बता सकता। नाम भी नहीं बता सकते एक बार। नाम, अरे शक्ल मत दिखाई, कोई बात नहीं। आप क्योंकि होता है भाई, किसी को अपनी आवाज़ उठाने का अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो हमारा देश पीछे। राकेश। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आज पूरे 5 महीने हो गए भाई। सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है, बेरोजगार है लोग 8 महीने से। अभी भी रोजगार नहीं मिला आपको? अभी भी रोजगार नहीं है भाई। लोग पैसे कहीं प्लेसमेंट वाले पैसे मांगते हैं, वैकेंसी है नहीं, कहाँ जाए। तभी तो हम आज इस पार्क में आए हैं, क्योंकि इस पार्क में वही लोग आए हैं जिनके पास रोजगार नहीं है भाई। क्योंकि देखो, बेरोजगार है, लॉकडाउन कर दिया, पब्लिक वैसी परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, दोबारा लॉकडाउन करके क्या मिल रहा है यार। आप इतना सरकार को कह रहे हो, सरकार ने पता है कितना राशन दिया था लॉकडाउन के टाइम पे? भाई मैं आपको एक सिंपल सजेशन बता रहा हूँ, राशन बांटा किस कंडीशन में है और किसको मिला है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता। मैं नहीं जानता भाई, आप बताओ। आप बताओ, मैं नहीं जानता भाई। हमारे लकड़पुर गाँव में जाके देखो। लकड़पुर गाँव फरीदाबाद का ही? फरीदाबाद में है लकड़पुर गाँव जी, ठीक है, सूरजकुंड के पास में जी। वहाँ पे बहुत से लोगों को राशन नहीं मिला है और जो बंदे बेरोजगार बैठे हैं उनके पास अभी भी जॉब नहीं है। और जॉब ऐसे मिल रही है, 3 दिन बुला रहे हैं, 4 दिन बुला रहे हैं, 5 दिन छुट्टी कर दे रहे हैं, महीने भर 15 दिन बुलाते हैं, 15 दिन घर बैठा रहे हैं, 10 दिन की सैलरी दे रहे हैं। ऐसे कैसे काम होगा यार? फिर फरीदाबाद की सरकार से सहमत नहीं है भाई? मैं सरकार से सहमति नहीं हूँ, चाहे BJP हो चाहे गवर्नमेंट हो, पब्लिक की डिमांड तो कोई पूरी नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है। दिल्ली के बारे में क्या कहें? दिल्ली भी जाते हैं कभी, आना जाना है भाई? दिल्ली में आना जाना है, दिल्ली में पब्लिक ठीक है, सुकून से है, वहाँ लोगों को अब जिम वगैरह सब कुछ, मॉल भी खुल रहे हैं वहाँ। इंडिया में कोरोना रुक भी रहा है भाई? कोरोना रुकेगा कहाँ लोगों के पास? या तो अगर लॉकडाउन करना है तो पब्लिक को सेफ्टी दो, जब पब्लिक को सेफ्टी नहीं दे रहे हो तो लॉकडाउन करने का फ़ायदा क्या है? ठीक है, अभी एक सपोज दैट हम दोनों पास में बैठे हैं, कोरोना के पेशेंट होते हैं, हर एक हम लोगों ने जांच करा रखी है दोनों ने पहले से ही। अच्छा, करवा रखी है? बिल्कुल। देख लो भाई, हम मुझे हो नहीं सकता कोरोना, इन्होंने जांच करा के बैठे हैं। ठीक है, रिपोर्ट जाओ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, भरोसा हमें, ठीक है, मेरा भरोसे वाला चैनल है। और दूसरी चीज, पब्लिक जब तक अपने ऊपर खुद डिपेंड नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, आत्मनिर्भर कह तो रहते हैं हमारे मोदी साहब, आत्मनिर्भर कहाँ बनने दे रहे हैं भाई, कहाँ बनने दे रहे हैं? क्या क्यों नहीं करने दिया भाई? एक चीज बताओ, उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। अच्छा, ठीक है, आज की डेट में जो भी कंपनियां ओपन है रिसेंट में, कहीं शॉर्ट सर्किट का बहाना बता के, कहीं मंदी का बहाना बता के लोगों को बेरोजगार बैठा दिया। ठीक है, मोदी ने पैसा किसको दिया? जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री दे रही है। अच्छा, ठीक है, आपने देखा पैसा देते हुए भाई? अनाउंसमेंट तो न्यूज़ वाले आप ही लोगों ने टेलीकास्ट करा ना? नहीं, मैं हमारे तो टेलीकास्ट किया था कि जिनको जरूरत होगी उनको मिले करेगा। कहाँ मिला? छोटे से छोटे रेडी तक को भी मिलेगा, इंडस्ट्री से लेकर के छोटी रेडी वालों को भी मिलेगा। आप एक चीज बताओ, मैं इधर आज तो लॉकडाउन है, आप मेरे साथ कल आइए, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस बंदे को पैसा मिला है भाई। दावे के साथ में कह दे भाई ने तो, कि दावे के साथ कह दे कि किस आम जनता को है? आम जनता को पैसा मिला ही नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो राहत पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था, ये भाई जी, क्या नाम भाई बताया था? सुनील मौर्य। सुनील मौर्य जी कह रहे हैं कि किसी को भी नहीं मिला है। तो इसके साथ ही चलिए आगे चलते हैं, ये तो हमारे दो युवक थे जिनमें से बेरोजगारी की रही ये तो बात, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं। प्लेसमेंट वाले पैसे मांगते हैं,
यार ये बड़ा लोचा हो रहा है आजकल, ये प्लेसमेंट में पैसे मांगना समझ नहीं आता, ये क्या क्या चीज हो रही है भाई। ये उसी के 200 रुपए दे के लगा हुआ है। जनता अगर चाहते हो मैं प्लेसमेंट की इस पे स्टोरी करूं, कमेंट करके कह दो कि हाँ भाई स्टोरी करो और मैं निकालता हूँ ये क्या स्कैम चल रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप सभी से कहना चाहूंगा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर एक भैया हमारे साथ इस समय मौजूद है, भैया से भी जानेंगे। भैया सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम आपका? नाम राजीव है मेरा। राजीव जी, तो राजीव जी मुझे ये बताएं, आज पूरे 5 महीने हो गए लॉकडाउन को, कैसा लग रहा आज आपको? वो तो देख ही रहे हो लोग बाग। नहीं नहीं आप बताएं ना आपको कैसा लोग बाग, नहीं आपकी पूछ रहे हम, लोग बाग की नहीं पूछ रहे। जो काम पहले था वो तो रहा ही नहीं अब। जो काम पहले था वो रहा ही नहीं यार, और जो था वो और कम हो गया। हाँ। लॉकडाउन को 5 महीने हो गए हैं और देश में पहले बताया जा रहा था कि हिंदुस्तान सबसे अच्छा है कोरोना के मामले में, कोरोना के मामले। अब बताइएगा जरा, अब क्या कौन से डेट को कुछ पता है कौन से स्थान पे कोरोना हिंदुस्तान में कम है? हिंदुस्तान में कम है कोरोना? अच्छा कितने मामले आए कुछ अंदाजा है कुछ? अब तो केसेस बहुत कम हो गए हैं पूरे विश्व में इस समय कोरोना, आपकी जानकारी बता दूं, तीसरे स्थान पर है। और जहाँ तक है दूसरे से दो से तीन दिन में दूसरे स्थान पर आ जाएगा। और रही बात रिकवरी रेट की, सबसे अच्छा रिकवरी रेट हिंदुस्तान का ही है, कहीं नहीं है भाई। मैं अपनी जनता को भी बताना चाहूंगा, लेकिन भैया कम केसेस हो गए, शो आउट कर ही नहीं रहे जब से वो क्या नाम है आपका, आप शो आउट नहीं कर, आप कैसे कह सकते शो आउट नहीं कर, आपने देखा है? क्यों नहीं कर रहे आप बताइए ना, शो आउट नहीं करे आप बताइए ना मेरे को कि आपने कैसे पता, आपको किस दावे? हाँ दिल्ली में तो बहुत कम हो गया, दिल्ली में सरकार अलग है ना, तो सरकार तो कौन से दिल्ली में, हरियाणा भी तो टच है। अब मैं आपसे, मैं जिस मुद्दे को लेकर के आया हूँ, मेरे को उस मुद्दे का आप जवाब देंगे तो काफी अच्छा होगा। मैं ये जानना चाहता था कि 5 महीने लॉकडाउन को हो चुके, क्या कोरोना के कुछ असर करा है सरकार ने, कुछ करा है जैसे को रफ्तार रुकी जाए? कुछ नहीं रुकी, जैसा चल रहा तुम्हारा देख ही रहा है, सब लोग आधे काम कर पा रहे आधे नहीं कर पा रहे। लॉकडाउन में क्या परेशानी हुई थी, कितने महीने तक आपको मतलब कहते हैं बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, कितने महीने हुई थी? घर से नहीं निकला, मेरा क्या करना, काम ही नहीं हुआ मेरा, जितना काम था मेरा 1 लाख रुपए महीने का काम था भाई, बिल्कुल जीरो हो गया। 1 लाख रुपए महीने का काम और जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। इसका घाटे के लिए सरकार ने कुछ वो पैकेज वैकेज भी तो अनाउंस किया? कुछ नहीं दिया, हमारी नई जॉइनिंग थी, हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं। अच्छा नई जॉइनिंग थी, तभी पार्क में घूम रहे हैं आप? बिल्कुल घूमे, क्या करें। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय लॉकडाउन को 5 महीने हो चुके हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान है। टाउन पार्क में मैं इस समय मौजूद था और जहाँ पर लोग थे, इन्होंने उनको इनसे मैंने जानकारी प्राप्त करी कि हाँ आप बताइए कि लॉकडाउन के टाइम पे आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के टाइम पर उनको परेशानी का सामना करना, उनका लाख लाख का काम 0 रुपीस हो चुका है। जी हाँ, शून्य शून्य हो चुका है। इसके साथ चलिए आगे चलते हैं और लोगों से कुछ बात करते हैं, क्या कहते हैं पार्क में। तो टाउन पार्क के चौकीदार से भला ज़्यादा कौन जान सकेगा इस जगह के बारे में। अंकल जी नमस्कार, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम? मोतीलाल वर्मा। मोती जी, मोती जी मेरे को ये बताइए कि आज लॉकडाउन को 5 महीने हो गए हैं, क्या फ़र्क पड़ा है पहले लॉकडाउन और आज के, और तब के लॉकडाउन में और आज के लॉकडाउन? पहले के लॉकडाउन में तो ऐसा था जी, कोई बाहर नहीं निकलता था, बिल्कुल लॉकडाउन का पालन था। अब लॉकडाउन धीरे धीरे खोलने के बाद पार्क में पब्लिक आती है, मास्क लगा के आते हैं, मैं मास्क लगा के आते हैं, ठीक है जी। हाँ। कानून का पालन कर रहे हैं, जो मास्क लगा के नहीं आते हैं हम उनको समझाते हैं गेट में, जी मास्क लगा के पार्क में घूमो, और बाकी नहीं मानते हैं तो बाहर पुलिस प्रोटेक्शन बैठी होती है, हम उनको शिकायत करते हैं और पुलिस वाले आके चलान भी करते हैं काफ़ी। आपको क्या परेशानी हुई है लॉकडाउन के अंदर? लॉकडाउन के अंदर जी हमें कोई परेशानी नहीं हुआ, हम गेट पे ड्यूटी करते थे, गेट में लोग लगे होते थे ताला, आने जाने वाले को हम मना करते थे कि लॉकडाउन में पार्क बंद है, आप पार्क के अंदर मत आइए। सहमत है सरकार के फैसलों से कि अब जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ रहा है देश में नहीं पूरे विश्व में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, सहमत है सरकार से? सहमत है? हाँ जो सरकार करेगी जी उसके लिए तो सहमत होना ही पड़ेगा, क्या करें, सरकार जैसे करेगी तो हम सरकार होना ही पड़ेगा। क्यों, आपकी सरकार है, जनता की सरकार है? नहीं, सरकार जो कहती है होना ही चाहिए इस चीज में। तो अगर सरकार कहती है कि लॉकडाउन में कानून का पालन करो, जो वो बताते हैं, जो वो नियम निकालते हैं, उस नियम का पालन करना जनता का फर्ज है और करना चाहिए। बताया जा रहा था कि लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोजगार हो गए, तो आपके नज़दीक में कोई है, आपके भी तो बच्चे होंगे, आपके नज़दीक होंगे, तो कोई बेरोजगारी कुछ प्रभाव पड़ा है? बेरोजगार तो ऐसा है जी, बेरोजगार तो सभी है। अभी देखो, अभी 2 दिन, अभी आज और कल शनिवार और एतवार को मार्केट बंद कर दिया, ये बाहर छोटे छोटे रेडी लगा के दुकानदारी कर रहे थे, इनका भी बंद करवा दिया, पुलिस वाले बोले 2 दिन के लिए बंद है आप जाओ। बेरोजगार तो है ही है जी, बेरोजगार तो सारी है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी गरीब आदमी है जो
कमा रहे हैं, छोटा मोटा कर रहे हैं, उनके रेडी चला रहे हैं, उनके लिए तो दिक्कत है। अभी ये 5 महीने हो गए लॉकडाउन को, अब क्या लगता है आगे कितने दिन बढ़ेगा, कुछ अंदाजा है कुछ? ये तो जी सरकार जाने, हम तो कह नहीं थे सरकार आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, वो तो केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार के ऊपर डिपेंड करती है वो बढ़ाएगा। अगर सिचुएशन कम होती जाएगी तो लॉकडाउन कम हो जाएगा, अगर बीमारियां बढ़ती गई कंट्रोल नहीं होगा तो लॉकडाउन हो भी सकता है। नौजवानों से बात कर ली, अब हमारे साथ एक मैच्योर से एक बात करते हैं और जानते हैं कि एक मैच्योर्ड पर्सन का क्या रिव्यू रहता है इस पे। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी इस वीडियो का मेन मोटिव है कि इन 5 महीनों में लोगों क्या परेशानियों का सामना पड़ा, आज पूरे लॉकडाउन को 5 महीने हो चुके हैं, तो किस प्रकार ये समय काटा गया? देखो समय ये बहुत ही बुरा बीता है सभी के साथ, लोग अपने घरों में कैद रहे, लोगों को तरह की बीमारियां हुई, बैठे रहे घर में, जैसे जो लोग मैच्योर्ड हैं, जो यंग हैं वो अपने मोबाइल वगैरह पे लगे रहते हैं, लेकिन जो मैच्योर्ड लोग हैं वो घर से बाहर नहीं जा पाए, उनके वॉकिंग के शेड्यूल थे सुबह शाम वॉकिंग वो नहीं कर पाए, तरह की बीपी की, एंगजाइटी की, डिप्रेशंस की बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। और दूसरा कि लोगों में जो डर है, भय है, बाहर से कुछ भी हम लेके आते हैं वो कंटिन्यूस बना हुआ है। क्या सरकार से आप सहमत है, जो सरकार कदम उठा रही है इस वायरस को रोकने के लिए, क्या सहमत है आप उनके डिसीजन से? देखिए जो कदम उठा रही है, और कोई ऑप्शन अभी है नहीं सरकार के पास भी, क्योंकि पूरा विश्व ही इससे जूझ रहा है, और जो गाइडलाइंस WHO दे रहा है पूरे विश्व को वही सरकार फॉलो कर रही है, और उसी को सभी हमें फॉलो करना चाहिए। अगर कोई ऑप्शन होता बेटर तो सरकार ज़रूर उसके बारे में बताती, जैसे पहले कंप्लीट लॉकडाउन किया था जी, बहुत अच्छा ऑप्शन था, ठीक है। और अगर बीच बीच में अब भी अगर थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन ये करते रहें, जैसे 2 दिन का लॉकडाउन कर दें, सैटरडे संडे लॉकडाउन कर दें, तो उससे क्या ना कि चेन थोड़ी रुक सकती है। हरियाणा सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा, ये अगर डिसीजन लिया है, मेरे को नहीं पता लेकिन लिया तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि जो 2 दिन होते हैं सैटरडे संडे मोस्टली ऑफिसेज बंद रहते हैं, और उसमें क्या ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाते हैं, ज़्यादा गैदरिंग होती हैं, जैसे सब्जी मंडी है, मार्केट में है जी। अगर वहाँ पे कम रहेगा तो डेफिनेटली इस पर काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए क्या ना कि वो बीच में जाके अपना कुछ भी ले सकते हैं सामान, या घर के और मेम्बर हैं उनको बोलें कि जाके कुछ लेके आओ, ताकि गैदरिंग कम से कम हो। जब गैदरिंग कम से कम होगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी, तो इसको रुकने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर बात करें कोरोना की, तो देश में अब हमारा हिंदुस्तान देश 2 नंबर पर लगभग आने ही वाला है, तो लोगों को कैसे आप जागरूक करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप एक मैच्योर हैं, आपसे बात करके भी हमें अच्छा लगा, हमने बाकियों से भी बात करी, लेकिन एक मैच्योर पर्सन जो समझा सकता है वो शायद ही कोई समझा सकता है, तो हम आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी जनता को? मैसेज तो ये क्लियर है कि जैसे दूसरे कंट्रीज़ हैं, चाइनाज हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोग जो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरी से पालन करते हैं, मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखते हैं। इंडिया में ये चीज़ नहीं हो रही है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। अभी हम शॉप पे जाते हैं, हम लोगों को कहते हैं थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, लेकिन लोग अभी उस दिमाग में वो चीज़ नहीं आई है, और जिसकी वजह से कोरोना अभी इफेक्टिव है। अगर हम इन चीज़ों का पालन करें जैसे और दूसरे कंट्रीज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको रोकने में मदद मिलेगी। लोगों के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जाहिलपना जो अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये कितना ख़तरनाक है, अगर ये किसी परिवार में किसी एक को हो जाता है तो उसका पूरा परिवार अफेक्ट हो सकता है, और कितने लोग अपनी जान दे चुके हैं, इकोनॉमी का सत्यानाश हो चुका है, ठीक है, लोगों का जीवन दुर्बल हो चुका है। अगर नहीं मानेंगे तो आगे ऐसा बढ़ता ही रहेगा, ये कम होने वाला नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, ठीक है, और मास्किंग, ये मस्ट है। हर आदमी को इसके बारे में सोचना ही होगा, हर आदमी इसमें एक देशभक्त की तरह रोल अपना अदा कर सकता है अगर इन 3 चीज़ों का पालन करता है। हॉस्पिटल पे कम लोड आएगा, डॉक्टर्स पे कम लोड आएगा, देश पे कम लोड आएगा, अपने परिवार पे कम लोड आएगा, तो पूरे देश के लिए ये हर आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है इन 3 चीज़ों का पालन करके। तो जैसे कि हमें अंकल जी ने बताया कि अगर हर आदमी खुद
अपनी सेफ्टी करे तो ही देश इस महामारी से बच सकता है। अंकल जी की एक और बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी कि जो दूसरे देशों में भी नियमों की जो पालना होती है वो लोग करते हैं, सरकार उनसे ज़बरदस्ती नहीं करवाती, लेकिन जो लोग हैं वो जागरूक हैं। इसी वजह से न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ से कोरोना भी बिल्कुल मुक्त हो चुके, वो देश पूरा कोरोना मुक्त हो चुका है। हिंदुस्तान भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको जागरूक होना होगा। हमारे इस वीडियो को दिखाने का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य हमारा यही है कि 5 महीने हो चुके हैं कोरोना वायरस को देश के अंदर, भला अब तक ये ऐसा कैसी बीमारी है जो अभी तक देश के अंदर टिकी हुई है। आप जागरूक हो जाइए, 5 दिन नहीं लगेंगे इस बीमारी को यहाँ से निकलने में। खबरों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, देखते रहिए NCR में।